हेलो फ्रेंड्स, सो आई वेलकम यू ऑल इन दिस डिस्कशन। और आज का जो डिस्कशन है वो है आपका जो अभी एग्ज़ाम हुआ है 7 जून 2023 को, उसका जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है और हमें एक PDF फाइल मिली जो हमारे ही व्हाट्सएप ग्रुप और अन्य जगह जो कि शेयर किया गया, और ये है वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, राइट। एक PDF फाइल किसी ने शेयर किया, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है और जो क्वेश्चन देख के लग रहा है क्वेश्चन आर वेरी इजी, राइट। मैं तो ये बोलूँगा कि क्वेश्चन आर वेरी इजी अगर आपने सही से पढ़ाई किया हो तो। जितने भी क्वेश्चन हैं पिछली बार से भी कंपेयर करेंगे तो ये सारे ही क्वेश्चन आप बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं अगर आपने पहले से तैयारी अच्छे की है, स्ट्रक्चर तरीके से आपने पढ़ के गए हो, तो इसमें आप आसानी से अराउंड 100 मार्क्स गेन कर सकते हैं, राइट। इस PDF फाइल में जिसने भी शेयर किया है और अराउंड टेलीग्राम ग्रुप पे भी मेरे शेयर किया है, अराउंड 40 क्वेश्चंस दे हैव शेयर्ड, राइट। आई डोंट नो द सोर्स ऑफ दिस क्वेश्चन, सो बेस्ड ऑन दिस आई हैव टेकन फ्यू ऑफ द प्रॉब्लम्स एंड वन बाई वन आई विल सॉल्व ऑल दीज प्रॉब्लम एंड शेयर्ड विथ यू ऑल, राइट। लेकिन वही है, चूँकि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, इस नाते अगर क्वेश्चन सही से लिखा गया है तो उस बेसिस पे जो मैंने प्रेडिक्शन किया है, जो मैंने सॉल्व किया उस बेसिस पे मैंने प्रेडिक्ट किया। चलिए उठाते हैं क्वेश्चन नंबर 1, राइट। तो देखिए, आज के सेशन का ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका जून 23 में आया हुआ है। दिस फर्स्ट क्वेश्चन इज बेसिकली फ्रॉम पार्ट सी, ये कि इसकी सबसे अच्छी बड़ी बात यह है कि ये पार्ट सी का क्वेश्चन है। और देखिए, क्वेश्चन बहुत आसान है। कई बार मैंने बताया कि जब भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है मैट्रिक्स के केस में, जब भी हम ट्रांसफ़र करते हैं वहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे वो पॉलिनोमियल का पूछता है या किसी फंक्शन का पूछता है। तो देखिए यहाँ पे, और इस क्वेश्चन को मैं बहुत आसान से बताऊँगा, इसको 10 डिग्री भी नहीं लेने की ज़रूरत है, राइट। वी बी द वैक्टर स्पेस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये आपका पॉलिनोमियल दिया गया है P10R एंड टी इज द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वी टू बी। सबसे बड़ी बात क्या है, जब भी हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं मैट्रिक्स में तो हम बेसिस का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, और पहले हमें देखना पड़ता है कि जिसको हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, चूंकि वेक्टर स्पेस किसका है, पॉलिनोमियल का, और डिग्री यहाँ पे 10 दिया है। 10 लेने की जरूरत नहीं, जब भी ऐसा 10, 20, 100 दे आप स्टार्ट कर सकते हैं 2 डिग्री से, और बहुत आसानी से प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं, राइट। तो सच दैट ट्रांसफॉर्मेशन क्या कह रहा है, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा पॉलिनोमियल का, राइट, या बेसिस का, राइट, चूंकि हम बेसिस ही लेके चलते हैं, पी एक्स दैट इज द डेरिवेटिव विल कम। एंड ऐसा प्रॉब्लम कई बार आया है, तो अगर आप 10 डिग्री का पॉलिनोमियल लेंगे, राइट, ओवर आर रियल नंबर, तो सभी को पता है 1x, x² और अप टू एक्स रेज टू द पावर 10, राइट। क्योंकि जब भी हम n डिग्री का पॉलिनोमियल लेते हैं तो उसका डायमेंशन n+1 होता है, एक डिग्री ज़्यादा हमेशा होता है, राइट, एक ज़्यादा वैल्यू होती है। तो एक काम करते हैं, हम इसको P2 से सॉल्व कर लेते हैं, और हमें बताना है उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या है, ट्रेस क्या है, रैंक क्या है, और उसकी आइगन वैल्यूज। तो सबसे आसान है हम 2 डिग्री का पॉलिनोमियल ले लेते हैं, और 2 डिग्री कहाँ जाएगा, 1x, x², राइट। बहुत ही आसान है अगर आप प्रॉब्लम को छोटा करके सॉल्व करेंगे। जरूरी नहीं है, मैंने हमेशा कहता हूँ कि अगर 100 दिया है, 200 दिया है, कोई ज़रूरी नहीं इतना बड़ा पॉलिनोमियल लेने के लिए, आप छोटा सा पॉलिनोमियल ले लीजिए, उस बेसिस पे भी आप क्या आप बता सकते हैं कि विच ऑप्शन इज करेक्ट, राइट। सो देखिए, सॉल्यूशन पे आते हैं, चूँकि ये पार्ट सी का क्वेश्चन है, मोर देन वन ऑप्शन मे बी करेक्ट। तो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 पहले से दिया है, किसको ट्रांसफॉर्म करना है, पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल में जब भी किसी का भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है और मैट्रिक्स जब भी फॉर्म करते हैं तो क्या किसका ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, बेसिस का। तो ये पॉलिनोमियल का बेसिस है, जब इसको आप पहला बेसिस लीजिए T(1), तो ये क्या कह रहा है, इट इज़ बेसिकली डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 का डेरिवेटिव 0, और इसको फिर हमको लीनियर कम्बिनेशन में लिखना होता है बेसिस का। तो किस में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वी टू वी, सेम वेक्टर स्पेस सेम है, तो 0 को जब आप ट्रांसफॉर्म करेंगे तो इसको 0 मिल गया हमें, सॉरी 1 को जब हमने ट्रांसफॉर्म किया तो 0 मिला। तो 0 को कम्बिनेशन के फॉर्म में, बेसिस के फॉर्म में लिखते हैं, तो 0 × 1 + 0 × x + 0 × x² ये हमने लिख लिया, और इसी से हम मैट्रिक्स भी बना लेते हैं। वो मैट्रिक्स क्या होते हैं, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है ये कैसे होते हैं, कॉलम वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं, तो 0, 0 एंड 0। सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन देखिए, T(x), सो एक्स और एक्स को जब भी हम डेरिवेटिव निकालेंगे, एक्स का डेरिवेटिव 1 आएगा, और 1 को फिर लीनियर कम्बिनेशन के फॉर्म में लिख देते हैं बेसिस, सो 1 × 1 +
जीरो इंटू एक्स प्लस जीरो इंटू एक्स स्क्वायर। तो सेकेंड कॉलम क्या हो गया, वन जीरो जीरो, देखिए वन जीरो जीरो वन जीरो जीरो, राइट। थर्ड कॉलम देखिए टी ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट, एक्स स्क्वायर थर्ड बेसिस ले लेते हैं, तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे क्योंकि इसमें दिया हुआ जो भी पॉलीनोमियल लेंगे उसका डेरिवेटिव आएगा, सो दिस विल बी टू एक्स, और इसको भी लीनियर कम्बिनेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, जीरो इंटू वन और टू इंटू एक्स प्लस जीरो इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये थर्ड कॉलम क्या हो गया, जीरो टू जीरो, देखिए यही आया जीरो टू जीरो। देखिए जब हमने टू डिग्री का पॉलीनोमियल लिया तब देखते हैं क्या क्या चीज़ें हो सकती है, ट्रेस कह रहा है जीरो, देखिए ऐसे ही आप टेन डिग्री का भी लेंगे पॉलीनोमियल यू विल गेट द सेम थिंग, ट्रेस सॉरी पहला क्या है आपका, डिटर्मिनेंट इज जीरो। तो देखिए बहुत आसान है, डिटर्मिनेंट कैसे पता कर सकते, किसी भी मैट्रिक्स का एक रो या एक कॉलम अगर जीरो हो जाए तो देखिए इसका एक रो एक कॉलम ये भी जीरो है और एक रो ये भी जीरो है, तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, जीरो होगा, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ट्रेस क्या होता है, ट्रेस इज द सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट, तो जब आप सम करेंगे इस डायगोनल एलिमेंट का जीरो 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 है तो ये भी क्या होगा, ये भी आपका जीरो होगा। रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज टेन, अब देखिए अब जब टेन दिया है तो रैंक क्या आया, टेन आया, हमने क्या लिया टू डिग्री का लिया, तो इसका रैंक देखिए क्या है, कितने नॉन जीरो रोज है, इट इज़ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक ये नॉन जीरो रो है और ये सेकेंड नॉन जीरो रोज है, सो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इज हाउ मेनी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, टू, तो इसका ये तो थर्ड वाला तो कंप्लीट जीरो है तो इसका रैंक क्या आ गया, टू। अगर मैंने टू डिग्री का पॉलीनोमियल लिया तो रैंक क्या आ गया, रैंक आ गया टू, राइट। इसी तरीके से अगर मैं टेन डिग्री का लूंगा, आप थ्री डिग्री का भी लेके सकते हैं, यहाँ पे देखिए टी एक्स क्यूब करेंगे जब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो यहाँ से आएगा थ्री एक्स स्क्वायर आएगा ना, यहाँ पे बल्कि एक हमें और ऐड करना पड़ेगा जीरो एक्स क्यूब, यहाँ पे भी जीरो एक्स क्यूब, यहाँ भी जीरो एक्स क्यूब, और यहाँ पे देखिए थ्री एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ पे आएगा थ्री एक्स स्क्वायर थर्ड टर्म पे, तो जब इसको और आप बढ़ाएंगे तो यहाँ पे थर्ड वाला देखिए इसके बाद इसमें थ्री नॉन जीरो रोज आएंगे, जीरो वन जीरो, देखिए जीरो जीरो जीरो, और ये आपका जीरो जीरो जीरो, और आपका जाएगा जीरो, इसके बाद आ जाएगा आपका वन, देखिए यहाँ से टू आया हुआ है पहले से जीरो जीरो, यहाँ से जीरो जीरो, और यहाँ पे थ्री, और यहाँ पे जीरो, सो हाउ मेनी नॉन जीरो रोज आर देयर, थ्री, राइट। तो इसका मतलब जितना हम डिग्री लेंगे उतना ही रैंक आएगा, सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। कह रहा फोर्थ ऑप्शन कह रहा ऑल द आइगन वैल्यूज आर जीरो, अच्छा आइगन वैल्यूज कैसे मैट्रिक्स है, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो आप बता सकते हैं, जो डायगोनल एलिमेंट होता है वही क्या होता है, आइगन वैल्यूज होता है, तो आइगन वैल्यूज क्या, जीरो जीरो जीरो, ऐसे टेन क्रॉस टेन का सब में आ रहा है, चाहे वो थ्री क्रॉस थ्री का बनाएंगे फोर क्रॉस फोर का सब में जीरो आएगा, सो दिस इज ऑल्सो वाट ऑल आइगन वैल्यूज आर जीरो, सो इसके सारे ही ऑप्शन करेक्ट है, नो नीड टू टेन द टेन क्रॉस टेन मैट्रिक्स, यू कैन इजिली टेक टू क्रॉस टू मैट्रिक्स थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स एंड प्रेडिक्ट द क्वेश्चन। ये आपका टाइम सेव करना, आपको क्लेवर बनना है एग्जाम में और ऐसे प्रॉब्लम को शॉर्टलिस्ट करना है, ढूंढना है कहाँ वो ऐसे क्वेश्चन, राइट। नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ सी द सेकेंड क्वेश्चन, जो कि मैंने कॉम्प्लेक्स से लिया, पहले मैंने शॉर्टलिस्ट किया कौन से क्वेश्चन है जो विद इन एक मिनट में सॉल्व हो सकते हैं, राइट। जैसे पहला अभी था पार्ट सी का था, ये भी क्वेश्चन शायद पार्ट सी का ही है, राइट, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम पार्ट सी आई थिंक, राइट, लेकिन इसमें एक ही ऑप्शन करेक्ट है बट पार्ट सी का क्वेश्चन। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन दिया है, कह रहा है इफ एफ जेड इज इंटायर फंक्शन, तो सबसे पहले आपको इंटायर फंक्शन के जितने एग्जांपल है वो लर्न होने चाहिए। मैंने कई बार जो भी यूट्यूब पे भी पढ़ाया है तो आपको बताया कि इंटायर फंक्शन के बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे जितने भी पॉलिनोमियल है जेड एन, राइट, या फिर साइन जेड कॉस जेड e raised to the power z, all these are what? Entire function. तो जब भी entire function की बात करें आपको तुरंत counter example आना चाहिए। अब हमें देखिए यहाँ पे option क्या कह रहा है, क्या f z bar, तो अगर sin z भी ले सकते हैं, z raised to the power n भी ले सकते हैं, n का मतलब कोई भी order ले सकते हैं, right, आप one order का भी ले सकते हैं, right, वन डिग्री का पॉलीनोमियल भी ले सकते हैं। तो देखिए सबसे आसान तो एफ जेड ही दिख रहा है, इसके अलावा साइन जेड भी कर सकते हैं, लेकिन जेड बार लेना पड़ेगा तो फिर आपको ब्रेक करना पड़ेगा, सो ई रेज टू द पावर जेड को भी ले सकते हैं, राइट, एनी वन यू कैन टेक, बट सबसे सिंपल है कि एफ जेड इज इक्वल टू जेड अगर ले लें तो सब में दिया हुआ, देखिए एफ जेड बार रेज टू द पावर बार, एफ जेड बार एफ जेड का होल बार एंड एफ जेड बार प्लस एफ जेड बार, राइट, सो ऑल इन विच ऑप्शन देन कौन सा करेक्ट हो सकता है। तो देखिए सबसे पहले जब भी हम बात करें कोई एक सिंपल सा, जैसे मैंने बोला बताया कि कोई भी इंटायर फंक्शन ले सकते हैं, एफ जेड इज इक्वल टू जेड ही ले लीजिए, राइट,
ट्राई टू टेक ऑलवेज ए सिंपल काउंटर एग्जाम्पल। एक चीज और है, जब भी हम काउंटर एग्जाम्पल लेते हैं मैं हमेशा बोलता हूँ कि काउंटर एग्जाम्पल से सिर्फ कट करने की कोशिश करिए, कभी भी करेक्ट करने की कोशिश मत करिए, राइट। लास्ट में अपने आप आपको पता चल जाएगा कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। इट इज़ क्लियर। आप दो तीन काउंटर एग्जाम्पल अगर हम इस प्रॉब्लम को लेते हैं, इन सारे काउंटर एग्जाम्पल को लेते हैं और सब सही होता रहे, तो अभी हम और भी काउंटर एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, क्योंकि काउंटर एग्जाम्पल की कोई लिमिट नहीं है। हाँ, जब आपका डिस्कार्ड हो तो कट कर दीजिए, वो सबसे आसान है, राइट। क्योंकि एक ऑप्शन के लिए करेक्ट हो सकता है तो हो सकता है दूसरे ऑप्शन के लिए, दूसरे एग्जाम्पल के लिए इनकरेक्ट हो। दैट्स वाई अगर काउंटर एग्जाम्पल लेते हैं तो हमेशा गलत हो तो उसको कट करिए, सही मत करिए, सही को छोड़ दीजिए अभी बाद में। सो एफ जेड इज्क्वल टू जेड। अब देखिए यहाँ से एफ जेड इज्क्वल टू जेड, आपको पता है दिस इज एक्स प्लस आयोटा वाई, राइट। वेरी सिंपल। अगर मैं कहता हूँ इसका बार लेता हूँ एफ जेड बार, सो वाट इज एफ जेड बार, पहला ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन एफ जेड बार, वट विल हैपन, दिस इज जेड बार, और जेड बार मीन्स एक्स माइनस आयोटा वाई। और देखिए ये पहले से कह रहा है इंटायर फंक्शन है, ठीक है, इंटायर फंक्शन है, राइट, देर इज नो इशू। इसको आप यू सपोज कर सकते हैं, यू कैन ऑल्सो राइट यू प्लस आयोटा वी। आपको पता है कि कासी रीमान इक्वेशन, राइट, सी आर इक्वेशन, डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई एंड डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। वेरी सिंपल। अगर ऐसे भी आप सॉल्व करें तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए ये इंटायर नहीं है, आप करके भी देख लीजिए, डेल यू बाई डेल एक्स यू विल गेट वाट वन, डेल वी बाई डेल वाई माइनस वन, सो दिस फर्स्ट इक्वेशन इट सेल्फ फेल। सो ये तो हो नहीं सकता, फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट। सेकेंड में देखिए एफ जेड बार बार, आप अगर इस ऑप्शन में ऐसे देखें तो एफ जेड बार, पहले आपने अभी जेड बार निकाला, एफ जेड बार अगर रखेंगे तो ये हो जाएगा जेड बार, और फिर हमें क्या करना है एफ जेड बार का भी बार लेना है, राइट। सो अगर आप बार का बार लेंगे, राइट, सो इट इज वाट अगेन इट इज बिकम पॉजिटिव। देखिए जेड बार तो एक्स माइनस आयोटा वाई, और उसका फिर बार लेंगे वी विल गेट द सेम थिंग। सो दिस इज बेसिकली वाट सेम थिंग मिल रहा है, यानी इंटायर है तो फिर इंटायर ही मिल रहा है। तो अभी हम इसको ऑप्शन को छोड़ते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया एक एग्जाम्पल के लिए हो सकता है ट्रू हो, बट अगले एग्जाम्पल के लिए फॉल्स भी हो सकता है। सो वी मूव ऑन द ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में देखिए एफ जेड, एफ जेड क्या है अपना, एफ जेड इज इक्वल टू जेड हमने लिया, और कह रहा है इसका बार लीजिए, तो हम जब इसका बार लेंगे तो इट विल बी अगेन वाट जेड बार, और जेड बार अभी हमने देखा जस्ट नाउ वाट इट इज नॉट द वाट एनालिटिक, यानी एंटायर नहीं है, सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट, राइट। अभी हमने देख ही लिया है एंटायर नहीं, एनालिटिक नहीं। ऑप्शन नंबर डी पे आ जाइए। ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है एफ जेड बार, सो आप एफ जेड बार अभी आपने कैलकुलेट ही किया है, एफ जेड बार इज वाट जेड बार, राइट, एंड एफ जेड बार का भी बार आपने जेड बार ही निकाला है, सो वी आर गेटिंग वाट टू टाइम्स ऑफ जेड बार। अगेन ये भी क्या होगा, ये भी उसी तरीके से हो जाएगा, दिस इज नॉट एनालिटिक, नॉट एंटायर, राइट। सो बाई टेकिंग ए सिंपल एग्जाम्पल ओनली वी आर गेटिंग वन ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी, राइट। सो देखिए प्रॉब्लम बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं आता, मैंने पहले भी आपको कहा था, एक दिन वीडियो में बताया भी था कि ट्राई टू फोकस ऑन शॉर्ट लिस्टिंग द क्वेश्चन। हाँ, सिक्वेंस में नहीं था क्वेश्चन, आई एक्सेप्ट दिस वन, आप उसको क्लिक करके पता कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों का पहले स्टैट आ गया था, डोंट वरी, ट्राई टू एनालाइज द क्वेश्चन, बी कूल इन द एग्जामिनेशन हॉल, जैसे मैंने बार बार कहा था, और क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं, पार्ट सी का क्वेश्चन है, आप 4.75 मार्क्स के दोनों ही क्वेश्चन थे, इससे पहले वाले जो क्वेश्चन देखे और ये क्वेश्चन भी, राइट। नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये भी आपका पार्ट सी का था। यहाँ पे कह रहे ए बी द रियल मैट्रिक्स फॉर्म ए रियल ब्लॉक मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स जो क्या फॉर्म कर रहा है, रियल ब्लॉक मैट्रिक्स फॉर्म कर रहा है, राइट, रियल ब्लॉक मैट्रिक्स विथ देयर ब्लॉक्स आर, उसके जो ब्लॉक्स हैं ये है, राइट, और ये ब्लॉक 5x5 का, ये भी मेंशन है 5x5, राइट, दिस इज 2x2 एंड दिस इज वाट 3x3। तो हमें जो ब्लॉक मैट्रिक्स मिलेगा विथ देयर ब्लॉक्स, ये छोटे छोटे उसके ब्लॉक हैं, तो जो फाइनल ब्लॉक मैट्रिक्स मिलेगी दिस इज वाट, वेरी सिंपल, दिस इज 5x5 ब्लॉक मैट्रिक्स। देन करेक्ट ऑप्शन आर, कौन सा करेक्ट है, कह रहा है ए इज नॉट डायगोनलाइजेबल, एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ ए इज 5, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ ए इज 2, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ ए इज 5। तो बहुत आसान है, सबसे पहले इस ब्लॉक मैट्रिक्स को फॉर्म करते हैं, आप जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म में आपने देखा कैसे जॉर्डन ब्लॉक मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं, ये ब्लॉक मैट्रिक्स है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे लेमडा 1 0 लेमडा, राइट, रेस्ट ऑफ द एंट्रीज वी कैन पुट, 5x5 की मैट्रिक्स बन रही है क्योंकि टोटल इससे ब्लॉक बनाना है, सो यू कैन पुट ऑल दीज एंट्रीज आर वाट 0, वेरी सिंपल, 0 0 0।
नाउ सेकेंड ब्लॉक इज व्हाट, देखिए यहाँ पे ब्लॉकिंग ऐसे आपको करनी है, राइट ऐसे ब्लॉक बनाने हैं। फर्स्ट 2x2 का ब्लॉक बना लिया, सेकेंड 3x3 का, सो लेमडा 1 0 एंड दिस इज 0 लेमडा 0 एंड 0 0 लेमडा। सो देखिए एक ऑप्शन कहीं कहीं आपने, मेरे पास जो दो सेट आए हैं मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, इसमें लेमडा लिखा हुआ है, एक में ई लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, अगर ई ई लिखा है तो भी ठीक है, लेमडा लेमडा लिखा है तो भी ठीक है, राइट। देन ए इज नॉट डायंगलाइजेबल। अच्छा, डायंगलाइजेबिलिटी के लिए सबसे पहला आसान आपको पता है, डायंगलाइजेबल की जब भी बात करें तो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी हर मैट्रिक्स के लिए AM हर आइगन वैल्यू के लिए AM और GM क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, राइट। तो सबसे पहले AM और GM ही निकाल लेते हैं। तो देखिए ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, वेरी क्लियर, दिस इज दिस एंट्रीज आर व्हाट, देखिए यहाँ से अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, इसके नीचे सारे एलिमेंट जीरो है, तो आपके पास ये लेमडा रिपीटेड है कितने टाइम, 5 टाइम, दीज आर द आइगन वैल्यू, सो कितनी बार रिपीट कर रहा, 5 टाइम्स, सो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी इज व्हाट, जितनी बार जो भी आइगन वैल्यू, सारे आइगन वैल्यू सेम है और 5 टाइम रिपीट कर रहे हैं, सो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लेमडा इज व्हाट, 5, राइट। फॉर दिस मैट्रिक्स एक ही चीज मिल रहा है, तो ये एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगा, 5, वेरी क्लियर, एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ ए इज 5, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब इसी तरीके ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी निकाल देते हैं, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होता है, एन माइनस व्हाट, ए माइनस रैंक ऑफ ए माइनस लेमडा आई, लेमडा तो लेमडा ही दिया तो उसको चेंज करने की जरूरत नहीं, एन क्या है, कितने ऑर्डर का है, दिस इज 5x5, 5 ऑर्डर का है, सो 5 माइनस रैंक ऑफ ए माइनस लेमडा आई। इसका जब आप रैंक निकालेंगे, देखिए इसका आप जब रैंक निकालेंगे, ए माइनस लेमडा आई, जब इसमें लेमडा सब्सट्रैक्ट करेंगे तो देखिए वो मैट्रिक्स बनेगी 0 1 0 0 0 एंड 0 0 0 0 0, फिर आपका हो जाएगा 0 0 0 1 0, उसके बाद सारे दोनों रो लास्ट के जीरो हैं, क्योंकि लेमडा को सब्सट्रैक्ट करेंगे डायगोनल पोजीशन पे है, तो ए में माइनस लेमडा आई जब कैलकुलेट करेंगे, देखिए डायगोनल पोजीशन पे सब सब्सट्रैक्ट करना है, तो कितना बचा इसमें, नॉन जीरो रोज 2, तो इसका रैंक क्या आ गया, 2, राइट। सो 5 माइनस 2 यानी कितना आ गया, 3, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी आ गई 3। सो देखिए यहाँ से, यहाँ पे ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी आप एक 2 दिया हुआ है, एक 5 दिया, या 5 नहीं, मेरे ख्याल से ये 3 है, राइट, दैट जो मैंने सॉल्व किया ये शायद 3 है जो दिया गया, राइट। तो देखिए यहाँ पे 2 तो नहीं हो सकता, राइट, दिस ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ ए इज व्हाट, 3, राइट, करस्पॉन्डिंग टू दिस लेमडा, सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। और अब देखिए मैंने आपको बताया कि ए इज नॉट डायंगलाइजेबल, देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हर आइगन वैल्यू के लिए AM और GM अगर इक्वल है तो हम क्या बोल सकते हैं, वो मैट्रिक्स क्या है, वो मैट्रिक्स डायंगलाइजेबल है, राइट। लेकिन यहाँ पे देखिए AM फॉर द लेमडा AM इज 5 एंड GM इज व्हाट, 3, दोनों अलग अलग आ रहे हैं, AM इज नॉट इक्वल टू GM, हेंस वी कैन से दैट इट इज नॉट डायंगलाइजेबल, सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, राइट। सो ए बी एंड डी फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए बी एंड डी, देखिए यहाँ पे मैंने करेक्ट किया है, साइड टाइपिंग एरर था मेरे साइड से, यहाँ मैंने जो सॉल्व किया था शायद 3 आया था, सो दिस इज 3, राइट, इट इज क्लियर, आई थिंक दिस थर्ड क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू एवरीवन। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी काफ़ी क्वेश्चन आसान था, शायद पार्ट बी का है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लास इक्वेशन ऑफ ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10। देखिए मैंने एग्जाम के अराउंड 10 डेज पहले सेम ऑर्डर का प्रॉब्लम आपके सॉल्व किया हुआ था और मैंने अपलोड भी किया था, मैंने आपको बताया था भी क्लास इक्वेशन से 1 क्वेश्चन आ सकता है, राइट, और आया भी है, बहुत आसान सा है। देखिए मैंने आपको कई फार्मूले बताए थे कि डिफरेंट ऑर्डर का है, जब एबिलियन है नॉन एबिलियन है तो क्या हो सकता है, व्हाट इज द क्लास इक्वेशन। तो देखिए इसमें जो ऑर्डर ग्रुप का ऑर्डर दिया है वो 10 दिया है, और सबसे पहले आपको पहचानना है कि ये एबिलियन है या नॉन एबिलियन है। तो देखिए 10 ऑर्डर का दोनों पॉसिबिलिटी है, मैंने आपको बताया भी था 10 ऑर्डर का ZN ऑलवेज एबिलियन होता है, ZN क्या होता है, ऑलवेज एबिलियन होता है, तो Z10 इज ऑलवेज एबिलियन, एक एबिलियन ग्रुप है, और नॉन एबिलियन ग्रुप भी पॉसिबल है बहुत सारे, जो भी आपका 2p फॉर्म का है, जैसे आप D10 भी ले सकते हो, राइट, ये डायड्रल ग्रुप, राइट, आप ऑर्डर 2p, राइट, यहाँ आप कर सकते हो 2 × 5, यानी 10 ऑर्डर का डायड्रल ग्रुप भी पॉसिबल है, तो दोनों पॉसिबिलिटी है, एबिलियन भी है और नॉन एबिलियन भी है, और दोनों के लिए आपको रूल भी बताया था कि एबिलियन और नॉन एबिलियन के लिए कैसे आप
क्लास इक्वेशन लिखेंगे। तो जब भी एबिलियन होता है बहुत आसान है, जितना उसका ऑर्डर होता है उतनी टाइम वो 1 1 1 ऐड हो जाता है। सो 1 + 1 + 1 कितने टाइम, 10 टाइम्स, राइट। सो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही करेक्ट हो गया, दिस फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, पार्ट बी का है तो दूसरा चेक करने की जरूरत नहीं है। बट फिर भी अगर ये नॉन एबिलियन है देन व्हाट इज द, अगर आपको जैसे बताया था कोई भी ग्रुप हो जिसका ऑर्डर 2p फॉर्म में हो, 2p मतलब प्राइम नंबर, सो 2 × 5 वी आर गेटिंग व्हाट, 2 × 5, तो इसका जो क्लास इक्वेशन था बस आपको याद करना 1 + p, बाकी आप इतनी बार ऐड करो कि ये 10 आ जाए। क्या ऐड करना, 2 को इतनी बार ऐड करो कि 10 आ जाए। सो देखिए 1 + p की वैल्यू क्या है, 5, तो हमें 2 कितनी बार ऐड करना कि 10 आ जाए। सो 2 + 2 सिर्फ दो बार, 1 + 5 आपका 6 हो गया, 6 + 4 10 आ गया। तो देखिए अगला कोई है, देखिए नहीं है कोई भी, अगर नॉन एबिलियन होता तो भी इसमें कोई ऑप्शन नहीं सही है, 1 + 5 + 2 + 2 कोई ऑप्शन नहीं सही है, राइट, दिस विल आल्सो डिस्कार्ड। सो ओनली ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बहुत आसान सा क्वेश्चन दिया था, और मैंने जैसे पहले भी बताया था कि आप पहले क्वेश्चन को शॉर्टलिस्ट करिए और स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़िए, राइट। आप बहुत कॉम्प्लेक्स, मतलब आपका अगर जो लेवल है उसी लेवल में तैयारी करिए, आप बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने कूल होके किया प्रॉब्लम, देखिए बहुत आसान आया था, राइट, बहुत आसान आया था, जिस जो अभी लेवल चल रहा है अराउंड लास्ट 4 ईयर उस हिसाब से अभी बहुत आसान क्वेश्चन आए थे, आसानी से 100+ मार्क्स गेन आदमी कर सकता है। तो मेरे ख्याल से इसकी मेरिट भी हाई जाएगी, अराउंड 100 के आसपास जाएगी, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि नेट का और JRF का 110 के ऊपर ही जाएगा, राइट, दिस इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू। नाउ सी द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 हमने कॉम्प्लेक्स से लिया है, राइट, दिस इज फ्रॉम पार्ट बी। अब देखिए यहाँ से कह रहा है द वैल्यू ऑफ द कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, राइट, द वैल्यू ऑफ द कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, आपसे इस कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन की वैल्यू पूछ रहा है, और c1/z²e^z−e^z dz, और c की वैल्यू आपको दिया है, c ये जो आपका क्लोज कंटूर है, सी दैट इज इज सर्किल विद सेंटर इज व्हाट, सेंटर इज 0 एंड रेडियस इज 3, राइट। तो आपको पता है कि जब भी कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन हो आपको पहले से पता होना चाहिए। तो देयर आर 2 to 3 मेथड्स टू सॉल्व द कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, पहले से आपका कमांड होना चाहिए। एक आपका है, आप सभी को बताया, कासी इंटीग्रल फार्मूला, राइट, दिस इज द फर्स्ट मेथड। दूसरा है कासी रेजिड्यू थ्योरम। आप देखिए प्रॉब्लम क्या है उसके अकॉर्डिंग लगाइए, अगर हाइपोथेटिकली किसी पे चले गए तो हो सकता है बहुत टाइम टेकन हो, राइट। उसके बाद आर्गुमेंट प्रिंसिपल भी है जहाँ से हम निकालते हैं, तो ऐसे कई मेथड हैं जहाँ से हम कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है, क्या मैं कॉम्प्लेक्स यहाँ पे कासी इंटीग्रल फार्मूला लगा सकता हूँ। तो जब भी आप कासी इंटीग्रल फार्मूला लगाने की बात करते हो तो हमेशा याद करिए कि वो फॉर्मेट ऐसे आए, जेड माइनस ए के फॉर्मेट में। अब देखिए यहाँ पे जेड माइनस ए के फॉर्मेट में है नहीं, राइट, सो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा भूल जाइए, अदरवाइज आप करेंगे इसको अगर उस फॉर्म में ब्रेक करके, इट विल टेक ए लॉट ऑफ टाइम, राइट। सो सेकेंड आते हैं कासी रेजिड्यू थ्योरम। कासी रेजिड्यू थ्योरम क्या कहता है, देखिए हमसे रेजिड्यू आराम से निकाल सकते हैं, रेजिड्यू मीन्स रेजिड्यू किस पॉइंट पे, पोल पे निकलता है, राइट। सो दिस इज 1/z² एंड e^z − e^z, राइट। कासी रेजिड्यू थ्योरम सेज व्हाट, 2π i एंड सम ऑफ ऑल द रेजिड्यू, जितने भी रेजिड्यू हैं, राइट, हियर आई राइट सम ऑफ रेजिड्यू, जितने भी रेजिड्यू आपके क्रिएट हो रहे हैं। तो सवाल है इसमें रेजिड्यू कितने होंगे, तो कितने रेजिड्यू होते हैं, जितने रेजिड्यू होते हैं जितने उसके पोल्स होंगे, राइट, और वो सारे पोल्स इस रेडियस 3 के सर्किल में लाई करना चाहिए। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस मॉड जेड इज इक्वल टू 3, जो पोल लाई करेंगे सिर्फ उसके करस्पॉन्डिंग हम क्या निकालेंगे, वी विल ओनली कैलकुलेट द व्हाट द पोल्स, राइट, और पोल्स के करस्पॉन्डिंग हम रेजिड्यू निकालेंगे। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ से पोल कब निकलेगा, जब हम पुट करेंगे ये डिनोमिनेटर 0 हो जाए, सो दिस विल बी 0 व्हेन z²e^z − e^z 0, राइट। हम पता करते हैं कौन कौन से पोल हैं, तो देखिए पहला हम कर सकते हैं z² = 0, तो हमें z
मतलब पोल क्या मिल रहा है, पोल एट जीरो और जिसका ऑर्डर क्या एट टू है, सो जीरो जीरो ये आपको पहला पोल मिल जा रहा है, राइट। इस पे एवरेज टू निकाल लेंगे। सेकंड, इसको भी आप इक्वेट करके देखिए, इस पे भी हो सकता है जीरो जाए, सो ई जेड ई रेज टू द पावर माइनस जेड इज इक्वल टू जीरो, या इसको आप जब डिवाइड करेंगे यू विल गेट ई रेज टू द पावर टू जेड। देखिए ई रेज टू माइनस जेड को डिवाइड करेंगे, इधर मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी जीरो, एंड ई रेज टू द पावर टू जेड इज इक्वल टू वन। और वन कब आता है, जब आप e रेज टू द पावर क्या करेंगे, देखिए cos थीटा प्लस i sin थीटा, तो यहाँ 2n पाई रखेंगे, क्या रखेंगे थीटा के वैल्यू, cos 2n पाई रखेंगे, तो cos की वैल्यू ऑलवेज 1 आएगी, sin की वैल्यू ऑलवेज 0 आएगी। सो यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं, आपके पास 2z की वैल्यू क्या मिली, 2 कैंसिल हो गया, z की वैल्यू आपको मिल गई आयोटा n पाई। तो ये सारे भी रेजिड्यू हैं, ये सारे भी पोल्स हैं जहाँ पे जीरो है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ये जीरो तो सर्किल के अंदर लाई कर रहा था, दीज टू ये सर्किल के अंदर लाई करेगा एट द सेंटर, लेकिन यहाँ पे देखिए जब भी आप एन की वैल्यू पुट करेंगे जीरो तो लाई ही कर रहा है, 1 2 3 4 5, तो देखिए ये थ्री रखेंगे, 3π आयोटा, पाई इज 3.14, ये सर्किल के बाहर चला जाएगा, 2 3 4 5 कुछ भी रखेंगे ये सब सर्किल के बाहर, तो ये तो हो नहीं सकता। तो अपने पास क्या बचा, अपने पास सिंपली बचा जेड इज इक्वल टू जीरो इज द पोल, राइट, इज पोल ऑफ ऑर्डर, ऑफ ऑर्डर आपका ऑर्डर क्या हो जाएगा टू, राइट। अब सवाल है इस पर रेजिड्यू कैसे निकालें, तो देखिए जब भी आपको रेजिड्यू निकालना हो इसका बहुत सिंपल सा फार्मूला है, एक तो आपको पता है कि nth ऑर्डर का है, चूंकि टू ऑर्डर का है तो 1/factorial m माइनस 1 d, एक ऑर्डर इसका चूंकि कम है d/dz और z माइनस 0 का होल स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। आप ऐसे कर सकते हैं, एक बार डिफ्रेंसिएशन इसका करना पड़ेगा, विच इज़ ए वेरी टीडियस प्रोसेस, आप करके देख लीजिए, वैसे भी हम निकल जाएगा। एक और जो तरीका है जो हम मतलब जनरली यूज़ नहीं करते, वो आपका रेजिड्यू, रेजिड्यू ऑफ एफ जेड कॉमा इन्फाइनाइट, राइट, दिस इज इक्वल टू, आप अगर जीरो पे पूछ रहा है जीरो पे उसको इन्फाइनाइट वे भी, चूँकि यहाँ पे जेड इज इक्वल टू जीरो पे तो पोल है, और जेड इज इक्वल टू इन्फाइनाइट, देखिए इन्फाइनाइट पे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जीरो पे कैलकुलेट करें या ऐसे लिख सकते हैं जेड इज इक्वल टू जीरो, सॉरी इन्फाइनाइट पे आपका जीरो उस पे भी, तो आप जो जो भी फार्मूला आपको यूज़ करना हो, माइनस रेजिड्यू ऑफ 1/ क्या होता है जेड स्क्वायर फंक्शन ऑफ 1/z एट जीरो, इससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। और एक और तरीका आपको बताया यहाँ से, एफ जेड इज इक्वल टू, अगर आपको जेड इज इक्वल टू जीरो पे निकालना है तो आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए और कोफिशियंट निकाल लीजिए 1/z का, राइट। आपको अगर जेड इज इक्वल टू इन्फाइनाइट पे निकालना है तो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, एफ जेड क्या निकाल सकते हैं, कोफिशियंट ऑफ माइनस 1/z, तो इस टेक्निक का भी यूज़ कर सकते हैं, चूंकि हमें निकालना है रेजिड्यू एट जेड इज इक्वल टू जीरो, तो इसको एक्सपेंड करिए और 1/z का कोफिशियंट देखिए, राइट। आई थिंक वंस यू कैलकुलेट इट इज कमिंग माइनस 1/12, यू कैन चेक इट, आई थिंक इट इज माइनस 1/z रेजिड्यू, राइट, माइनस 1/2 factorial 3, what I have calculated, you check one time, right, and once you put here this value, minus minus will become plus, right, at zero, so जब यहाँ पे put करेंगे तो put करने के बाद 2π iota, देखिए यहाँ पे आपको residue यहाँ पे put करना zero पे, right, minus minus plus, so जब यहाँ finally put करेंगे 2π iota into 1/12, you check this value, so I think you will get π iota/6, राइट, π iota/6, राइट, यू चेक इट, इट इज़ क्लियर। सो चूँकि मैं इसमें अगले लेक्चर में और भी डिटेल में इसमें डिस्कस करूँगा, बट आई हैव गिवन द हिंट, इफ़ यू हैव डन देन आई थिंक π iota/6 इज द करेक्ट आंसर, राइट। इन द सिमिलर वे देर आर सेवरल प्रॉब्लम्स दे हैव आस्क, राइट। सो इन दिस मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आई हैव, इन दिस सेशन आई हैव टेकन 5 प्रॉब्लम, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, दिस वन इज द सेकेंड क्वेश्चन दैट इज फ्रॉम कॉम्प्लेक्स, दोनों ही पार्ट सी के थे, ये भी थर्ड क्वेश्चन पार्ट सी का क्वेश्चन था, राइट, फ्रॉम लीनियर अलजेब्रा, फिफ्थ क्वेश्चन दैट इज फ्रॉम कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, राइट, और जो फोर्थ क्वेश्चन हमने लिया था वो आपका मॉडर्न अलजेब्रा से। ऐसे ही धीरे धीरे सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, बट हमेशा एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, अगर हम हायर मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले देख देख के प्रॉब्लम को मत सॉल्व करें, ये बहुत ही खराब प्रैक्टिस है। अगर कहीं भी सॉल्व कर रहे हैं हम और देख देख के हमको लग रहा है कोई भी सॉल्व कर रहा है, हम देख के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, कभी भी कोई एग्ज़ाम बहुत मुश्किल है निकलना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम दिया जाए
वीडियो को पॉज करिए, 2-3 मिनट खुद सोचने की थिंकिंग पावर बढ़ाइए, राइट। वंस योर थिंकिंग पावर विल इंक्रीज देन यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ईजिली, राइट। तो जो भी चीज़ें हैं इसमें मैंने आज डिस्कस किया, इसी तरीके से बाकी भी हम डिस्कशन करेंगे। वन मोर इन्फॉर्मेशन फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर दिसंबर 2023 एंड गेट 2024, राइट। बोथ यू कैन इनरोल फॉर बोथ ऑफ द कोर्स। वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑन 11th ऑफ दिस मंथ, 11 जून, राइट। आप दोनों ही कोर्स की फीस एक फीस में ही दोनों आपके हो जाएंगे, राइट। इसकी वैलिडिटी आपकी 6 मंथ के बजाय हमने इंक्रीज कर दिया अप टू द गेट एग्जाम, राइट। तो इसमें हम लाइव क्लासेस होते हैं, लाइव क्लासेस और डाउट क्लियरिंग सेशन, जहाँ पे स्ट्रक्चर्ड वे में आपको पढ़ाया जाएगा, एक एक चीज़ें आपके क्लियर की जाएंगी। हाउ टू अप्रोच, कैसे आपको अप्रोच लगाना है, कैसे क्वेश्चन देख के अप्रोच लगाना, कैसे एक प्रॉब्लम को 2-3 तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। हाउ टू कोरिलेट, ये बताया जाता है। ऑनलाइन क्लासेस आपके डेली होती हैं, राइट। रिकॉर्डेड वीडियोस आपके मिल जाएंगे, जो प्रीवियस बैच के हैं उनके भी रिकॉर्डेड लाइव सेशन के भी मिल जाएंगे। इस सेशन में जो चल रहा है वो भी आपको मिलेंगे, पीडीएफ बुक्स, पीडीएफ नोट्स। जो आपकी लाइव सेशन होगी बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, और लाइव क्लासेस की जो टाइमिंग है वो आपकी 7 और 10 दोनों PM, मतलब दोनों टाइमिंग होती है। नॉर्मली अभी जो चल रहा है वो 10 PM पे चल रहा है। वैलिडिटी इज़ नॉट 6 मंथ, मैंने इसका वैलिडिटी इंक्रीज़ कर दिया है, तो इसकी वैलिडिटी आपको 8 मंथ तक मिल जाएगी, राइट, अप टू द गेट एग्जाम अप टू द फरवरी, राइट। और इसमें आपकी टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड है, राइट। सो ऑल दीज थिंग्स यू विल गेट इन दिस बैच दैट वी हैव ऑलरेडी प्लान टू स्टार्ट ऑन 11th, और हम स्टार्ट ही कर रहे हैं, राइट। दोज हु आर इंटरेस्टेड दे कैन ज्वाइन इट। और इसमें आपको सबसे पहले जो पेपर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो अप्लाइड मैथमेटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि अप्लाइड मैथमेटिक्स से जो क्वेश्चंस होते हैं वो डायरेक्ट आप आसानी से जो भी आपके सॉल्यूशन होंगे वो एक्यूरेट रिजल्ट देंगे। जबकि आप थोड़े से लेंथी होते हैं, बट आप अगर थोड़े से फार्मूला लर्न करेंगे, थोड़े से अप्रोच सही लगाएंगे तो आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। तो उसके बाद सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन, न्यूमेरिकल मेथड, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, इंटीग्रल इक्वेशन, LPP लीनियर प्रोग्रामिंग, ये पहले डिस्कस करेंगे, और उसके बाद रियल लीनियर कॉम्प्लेक्स और मॉडर्न स्टार्ट करेंगे। तो अभी फर्स्ट 2 मंथ पहले कवर करेंगे अप्लाइड पोर्शन, एंड देन आई विल स्टार्ट रियल लीनियर कॉम्प्लेक्स मॉडर्न। चूंकि हम आपको लाइव सेशन की रिकॉर्डिंग पहले ही दे देंगे इन सबके पेपर की, तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, राइट। सो दोज हु आर इंटरेस्टेड दे कैन इनरोल्ड फॉर दिस न्यू कोर्स, राइट। सो दोज हु आर इंटरेस्टेड दे कैन इनरोल्ड फॉर दिस कोर्स, और आपका सारा डिटेल इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, यह हमारी वेबसाइट है, वहाँ पर जाएंगे, क्लिक करेंगे और आपको सारे डिटेल मिल जाएंगे, राइट।